औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सामाजिक कार्यकर्ता संग्राम सिंह राजे भोसले से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र दूर दराज से सामाजिक युवा और युवतियों के लिए एक अपना घर सा हो, इसलिए सामाजिक स्तर पर पीथमपुर में निवास व्यवस्था हो, इसको लेकर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आवास प्रमुख मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्था शुरू हो गई है। इस प्रकार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी यह व्यवस्था शुरू करने को लेकर चर्चा की। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जो मराठी समाज या मराठा समाज यहाँ निवास करता है, उसके आप संरक्षक भी हैं और सामाजिक कार्य आप निरंतर करते रहते हैं। आज जो टीम समाज की आई है आपके पास, क्या आपको उसका लाभ मिलेगा और पीथमपुर के समाज को क्या उसका विशेष मिल सकता है? लाभ की जहाँ तक प्रक्रिया रही है कि लाभ मराठा सेवा संघ के अंदर इस तरीके की कोई भावना कोई रखता नहीं है। तो ये एक समाज की सेवा है और उस समाज की सेवा के अंतर्गत जो है मुझे यहाँ पर जो है पदाधिकारी में चुना गया या समाज में मैं अच्छा कुछ कार्य करता हूँ, वो मेरे कुछ किस्मत की है, मुझे लायक वो समझते हैं। और यहाँ जैसे आज जो समाज के पदाधिकारी आए हैं मध्य प्रदेश मराठा सेवा संघ के जो हमारे भाई साहब हैं, हॉस्टल से हमारे भाई साहब आए, मतलब अन्य जो है समाज के बड़े बड़े दायित्व जो निभाते हैं वो लोग आए हुए हैं। और यहाँ समाज की एक्टिविटी जैसे युवा भी बताया भाई साहब ने, जो हॉस्टल है उनके रहने करने की व्यवस्था है, इस भावना के अंतर्गत जो भी जो यहाँ मध्य प्रदेश में पीथमपुर क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार के न जाने कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं। एक मराठा सेवा संघ यहाँ पर भी कुछ हॉस्टल की स्थापना करना चाह रहे हैं, उसी प्रक्रिया में ये मीटिंग रखेगा। आपका नाम और पद्मा? नाम संग्राम सिंह राजे भोसले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।